माननीय श्री आर के सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, माननीय श्री आर के सिंह जी का हृदय से स्वागत है। माननीय आपकी अत्यंत गरिमामय उपस्थिति आज हम सबका उत्साहवर्धन कर रही है। हमारे बीच में है माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज। आपका भी हम हृदय से अभिनंदन करते हैं माननीय। आपकी गरिमामय उपस्थिति आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। हम हृदय से स्वागत करते हैं माननीय श्री आर के सिंह जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, माननीय श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हैवी इंडस्ट्रीज, सचिव विद्युत मंत्रालय रिस्पेक्टेड श्री आलोक कुमार जी ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का, मेहमानों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमसे ऑनलाइन जुड़े सभी CPSEs के CMDs तथा डायरेक्टर्स, राज्यों के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज तथा अन्य अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित पोसोको परिवार के फैमिली मेंबर्स, आप सभी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। आइए राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। पोसोको स्थापना दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। नए वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। पोसोको पूरे भारत देश में सिंक्रोनस ग्रिड को ऑपरेट करता है, वो भी इकोनॉमी, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, रिजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी के अटल विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ। दूर दराज के इलाकों में हम पावर से लोगों की मुस्कान भी रोशन करते हैं। दिलों में भारत माँ की सेवा की अखंड अभिलाषा है। विजन और मिशन में श्रेष्ठ ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनने की आकांक्षा है। पोसोको आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की परफेक्ट परिभाषा है। मैं नए भारत का चेहरा हूँ, न ठहरा था न ठहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। मैं देशभक्त भी गहरा हूँ, मैं नए भारत का चेहरा हूँ। हम प्रगति के आसमान में भले ही उड़े हैं, लेकिन जड़ों से जुड़े हैं। अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाते हुए हम निवेदन करते हैं CMD पोसोको श्री के वी एस बाबा आपसे कि कृपया माननीय मंत्री महोदय श्री आर के सिंह जी को शॉल भेंट करके उनका अभिनंदन करें। और अब आपसे ही आग्रह है CMD महोदय कि कृपया माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल जी का स्वागत करें उन्हें शॉल भेंट करके। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत में मणिदीप जलाने की हमारे यहाँ परंपरा रही है। हमारा विनम्र निवेदन है माननीय मंत्री महोदय आपसे और माननीय राज्य मंत्री महोदय आपसे कि कृपया मणिदीप को प्रज्वलित करके कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। दीप ज्योति नमोस्तुते। ज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परं
ओशो को 1.3 बिलियन लोगों की जिंदगियों को रोशन कर रहा है। किसी ने दीपक को हौसलों से भी जोड़ा है और कहा है कि सुनो जो जोर हवाओं के सनसनाने का, यही है वक्त चराहों को आजमाने का। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। और अब हम आग्रह करते हैं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पोसो को श्री के वी एस बाबा आपसे कि कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें। Respected Honorable Minister of Power and New Renewable Energy, Honorable Minister of State for Power and Heavy Industry, Secretary Ministry of Power, all additional secretaries and senior officials of MOP, MNRE, CRC, Energy Secretaries and senior officials of state governments, fellow load dispatchers, all CMDs and senior officials of CPSUs, and my POSOCO family, ladies and gentlemen, good evening. I welcome you all and express heartfelt gratitude for joining 5th POSOCO Day celebrations and encouraging our enthusiasm to serve the nation. Let me begin by words of great Telugu poet Gurjada Venkatapparao for his all-time great poem Deshabhakti, written in 1910. Of course, I am reading Telugu. Santalabham konta manukoi, poruguvadi ki todu padavoi, desamante matti kadoi, Desamante Manishulai. If I translate in English, the meaning is be it more of selflessness, be useful to the other person. Country is not just the mud and soil, country means people. Today, as we celebrate our 5 years of foundation as independent government institution, I feel proud and honored to be leading POSOCO team that has successfully steered through challenging times and has sustainably created value for all Indian power sector stakeholders. It is a matter of great pride to see the child growing up embrace a good value system, seek high aspirations, and achieve more than whatever thought was possible. POSOCO has made everyone proud, not only just by its achievements, by as much as its humility, grace, value system, and integrity. The system operator's journey has begun long one in various avatars since 1960s, and this incredible journey of ours is a testimony of the vision, nation-building spirit, and commitment of our founders. It's time to pay homage to our founders and reminisce those noteworthy accomplishments that choreographed transformation of POSOCO into an institution which prides on technical excellence and diversity. As India celebrates the 75th independence anniversary with Azadi Ka Amrit Mahotsav, POSOCO has been at the forefront to participate in various systemic reforms, processes, and implement state-of-the-art control centers and applications like SCED, AGC, ancillary services, RTM, etc. Ensuring grid resilience is now ever-increasing challenge to the real-time grid operator, with cyclones, storms, floods impacting the power system. At this juncture, we would like to express our gratitude to policymakers, administrators from Ministry of Power, MNRE, regulators from CRC and CRCs for recognizing POSOCO as a vital link between them and physical power system, and for reposing their confidence on our commitment and capability of achieving the goals. Institution building of POSOCO has been an evolutionary process with objectives and priorities adapted as per the context. With ever-expanding orbit of operations, human resources with advanced technical skills from 400 plus in 2017, now 600 plus as of now, have been our key strength. POSOCO has been collaborating at state, regional, national, and international levels for capacity building and information sharing, for strengthening the state load dispatch centers through in-house training programs and forum of load dispatchers. Successful reform requires the synergy of elements of engineering, economics, and institutions.
The institution of load dispatch center is a part of the ever-increasing complex and dynamic power system. Even though our core areas are power system operations and electricity markets, POSOCO is preparing for working towards cross-sectoral coordination such as EVs, gas-based economy, storage, green hydrogen for better financial viability of the Indian power sector. Closing my welcome, we are grateful to the guidance and unflinching support of Ministry of Power. We are gearing up to tackle the challenges and explore new horizons to achieve India's ambition of 500 gigawatt non-fossil generation by 2030. Entire POSOCO family would play a more holistic role in shaping the Indian power sector journey tomorrow and beyond to the next orbit. Ending with few lines of poetry from our ex-Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee, Kadam milakar chalna hoga, badhaen aati hai, aayen, ghire pralay ki ghor ghataen, paon ke niche angaren, sir par barse yadi jwalaye, nij haathon mein haste haste, aag lagakar jalna hoga, kadam milakar chalna hoga. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी पोसो को. अब हमारा अनुरोध है रिस्पेक्टेड सचिव विद्युत मंत्रालय श्री आलोक कुमार जी से कि कृपया आज के इस शुभ अवसर पर हम सबको संबोधित करें. रिस्पेक्टेड सचिव महोदय ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए हैं. और हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री जी दोनों ही इस अवसर पर हमसे अपनी शुभकामनाओं के साथ यहाँ पर मौजूद हैं. इसे हमारी आदत कहें या हमारा संस्कार कहें कि जब भी हम शुभ कार्य करते हैं तो अपने पूजनीयों का आदरणीयों का आशीर्वाद लेना नहीं भूलते हैं. सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे माननीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी से कि कृपया हमें अपनी शुभकामनाएँ दें. आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री आरके सिंह जी, सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार जी, एडिशनल सेक्रेटरी श्री राहटे जी, सीएमडी पोसोको श्री केवीएस बाबा जी, पोसोको परिवार के सभी सदस्यगण, आप सभी को मेरा नमस्कार. और आपको और आपके परिवार को मेरी तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं. आज पोसोको की स्थापना दिवस पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है. 5 वर्ष पहले आज ही के दिन पावर ग्रिड से अलग होकर नए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के रूप में पोसोको की स्थापना हुई थी. और यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्व की सबसे बड़ी सिंक्रोनस विद्युत ग्रिड का संचालन पोसोको टीम द्वारा समर्पण और निष्ठा से किया जा रहा है. पोसोको ने विश्व स्तर पर विद्युत क्षेत्र में अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सम्मानित स्वतंत्र पावर सिस्टम ऑपरेटर के रूप में अपने आप को स्थापित किया है. पोसोको में युवा एवं अनुभवी पावर सिस्टम ऑपरेटर का अच्छा मिश्रण है. तब मुझे यह विश्वास है कि यह अनुभव एवं युवा शक्ति का सम्मिश्रण भारतीय ग्रिड के लिए मानक स्थापित करेगा. पोसोको भारतीय ग्रिड परिचालन के अनेक महत्वपूर्ण कार्यों में अपनी प्रमुख भूमिका निभा रहा है, जैसे विद्युत प्रणाली का रियल टाइम ग्रिड ऑपरेशन, विद्युत मार्केट ऑपरेशन, अक्षय ऊर्जा प्रबंधन केंद्रों का संचालन, रियल टाइम मार्केट, विद्युत प्रणाली की विश्वसनीयता
आकलन और संकुलन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय ग्रिड ऑपरेशन इत्यादि। पोषकों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पड़ोसी देशों जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच संसाधनों के प्रभावी उपयोग के लिए दक्षिणी एशियाई ग्रिड के गठन में योगदान दे रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश के लिए वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। अक्षय ऊर्जा बड़े पैमाने पर आ रही है और विद्युत ग्रिड में अक्षय ऊर्जा उत्पादन को एकीकृत करने के लिए पूरी तरह से अलग कौशल की आवश्यकता है। 11 अक्षय ऊर्जा प्रबंध केंद्रों पहले से ही अक्षय ऊर्जा समृद्ध राज्यों और संबंधित क्षेत्रीय भार प्रशिक्षण केंद्र और राष्ट्रीय भार प्रशिक्षण केंद्र में प्रचालन में हैं। पिछले वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं में ऊर्जा प्रणाली का प्रबंधन काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। चक्रवातों और बाढ़ ने भारतीय ग्रिड की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया था। ऊर्जा प्रणाली पर ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का तत्काल प्रभाव विद्युत प्रणाली में पारेषण बाधाएं और लोड थ्रो ऑफ के रूप में होता है, जिसके परिणामस्वरूप प्रणाली में हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी उत्पन्न होती है, जो यदि नियंत्रण से बाहर हो जाए तो कैस्केड ट्रिपिंग हो सकती है। पोस्को द्वारा सक्रिय त्वरित कार्रवाई के कारण इन दोनों ही मामलों में ब्लैकआउट को रोका जा सका है। विगत वर्षों के दौरान पोस्को ने COVID-19 महामारी के द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद भारतीय विद्युत ग्रिड का संचालन दक्षता, विश्वसनीयता, सुरक्षा, निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए सफलतापूर्वक किया है। पोस्को द्वारा विकसित विद्युत प्रवाह, मेरिट आदि जैसी विभिन्न ऐप का उपयोग सार्वजनिक डोमेन में भारतीय बिजली प्रणाली के बारे में रियल टाइम की जानकारी के प्रसार के लिए किया जा रहा है, जो अपने आप में विद्युत मार्केट ऑपरेशन में पारदर्शिता लाने की एक बड़ी उपलब्धि है। पोस्को की अगुवाई में ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल पूरे भारत में लागू किया जा रहा है। अभी तक लगभग 50 गीगावाट उत्पादन क्षमता को सफलतापूर्वक एकीकृत किया जा चुका है। भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास में इतने कम समय में पोस्को ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं पोस्को को बधाई देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार पोस्को दक्षता में भारतीय विद्युत ग्रिड के सुरक्षित एवं विश्वसनीय संचालन में अपना योगदान देती रहेगी। ग्रिड संचालन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर एक मानक एक कीर्तिमान स्थापित करेगी। धन्यवाद। माननीय आपसे निवेदन है, कृपया मंच पर ही रुक जाएं। माननीय राज्य मंत्री जी, कृपया मंच पर ही रुक जाएं। माननीय मंत्री श्री आर के सिंह जी से विनती है कि कृपया मंच पर पधारें। और मैं निवेदन करूंगी CMD पोस्को श्री KVS बाबा आपसे कि माननीय मंत्री जी के साथ मंच पर पधारें। एडिशनल सेक्रेटरीज और JS जो है मिनिस्ट्री के, उनसे भी निवेदन है मंच पर पधारें। माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्पों को साकार करना हमारा गर्व भी है और फर्ज भी। 2030 तक इंटीग्रेशन ऑफ 500 गीगावाट नॉन फॉसिल जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य हमारा दृढ़ निश्चय है। इसी मंजिल तक पहुंचने के लिए ऑटोमेटिक जनरेशन कंट्रोल सिस्टम पहली बार राष्ट्र में लागू होने जा रहा है। हम विनम्र विनती करते हैं माननीय मंत्री श्री आर के सिंह जी आपसे कि कृपया AGC सिस्टम को राष्ट्र को समर्पित करें रिमोट का बटन दबाकर। इसके द्वारा हाई RE पीरियड्स में ज्यादा दक्षता से तथा ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सुनिश्चित हो सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इसके द्वारा हाई RE पीरियड्स में दक्षता से ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल सुनिश्चित हो सकेगा, जिसका मैप आप देख पा रहे हैं मंच पर स्क्रीन में।
तो एजीसी अब राष्ट्र को समर्पित किया गया माननीय मंत्री जी के कर कमल द्वारा। और अब आपसे अनुनय है माननीय कि कृपया आप पोसो को इनर्शिया रिपोर्ट का विमोचन करें अपने कर कमलों द्वारा। आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलकर पोसोको ने एक स्टडी इंस्टीट्यूट की है, इसमें विश्व की बेस्ट प्रैक्टिसेस को रिव्यू किया गया है जो कि पावर सिस्टम इनर्शिया की एस्टिमेशन मेजरमेंट तथा मॉनिटरिंग के मद्देनज़र है और इंडियन पावर सिस्टम के संबंध में एक मेथोडोलॉजी इवॉल्व की गई है। इसमें असेसमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंडियन पावर सिस्टम माननीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा इस रिपोर्ट का विमोचन किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय राज्य मंत्री जी और सभी अन्य गणमान्य महोदयों से निवेदन है कृपया हॉल में पधारें। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि कृपया थोड़ा इंतज़ार करें इसके पहले कि माननीय मंत्री जी यहाँ पर अपना संबोधन दें। हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है लेकिन मुझे लगता है कि मुझे आपके बारे में कुछ ज़रूर कहना चाहिए। न्यू इंडिया की प्रगति और शक्ति पावर में निहित है, न्यू तथा रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़ी हुई है और इस नज़रिए से हमें गर्व है कि इस मंत्रालय को माननीय श्री आर के सिंह जी जैसे कर्मठ कर्मयोगी डायनेमिक जुझारू तथा संवेदनशील व्यक्तित्व का सानिध्य प्राप्त है जो इस मंत्रालय के जरिए जहां राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि के लिए कटिबद्ध है वहीं गांव-गांव गरीब गरीब तक रोशनी के लिए संकल्पबद्ध है। माननीय आप माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, आपसे निवेदन है हमें शुभकामनाएँ दें। आदरणीय कृष्णपाल जी, माननीय राज्य मंत्री ऊर्जा मंत्रालय, हम लोग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आलोक कुमार जी, ऊर्जा मंत्रालय के अपर सचिव सुधीर रहाटे जी, पोसोको के सीएमडी मिस्टर बाबा, आई बिलीव सम अदर सीएमडीज आर आल्सो कनेक्टेड विथ अस थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑल द सीएमडीज, ऑल द ऑफिसर्स ऑफ द मिनिस्ट्री पोसोको एंड द पावर सेक्टर। आई वांट टू जस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू टू और थ्री थिंग्स। One is that we, you and us, together, have changed the power sector. That is one. तो मैं आप लोगों का ध्यान दो तीन बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। पहला ये कि हम लोग साथ मिल करके हम लोगों ने अपने देश में ऊर्जा के परिवेश को बदल दिया है। We have changed the power sector. और हम लोगों ने यह बदलाव हर माने में किया, चाहे वो बिजली की उपलब्धता कम, हम लोगों ने अपने देश में जो कि पहले उत्पादन क्षमता के मामले में डेफिसिट थी उसे हमने सरप्लस कर दिया। वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर कंट्री फ्रॉम अ पावर डेफिसिट टू अ पावर सरप्लस इकोनॉमी टू अ पावर सरप्लस कंट्री। We, you and me, together, you and the ministry together have connected the whole country into one grid. And we have strengthened it so that now we can transfer about 1,12,000 megawatts from one part of the country to another. हम लोगों ने पूरे देश को एक ग्रिड में जोड़ दिया है और एक कोने से दूसरे कोने तक हम 1,12,000 megawatt ऊर्जा का संचार कर सकते हैं।
इसके फलस्वरूप पूरे देश को हमने एक मार्केट में जोड़ दिया. बिकॉज ऑफ दिस वी हैव कनेक्टेड द होल कंट्री इनटू वन मार्केट, जिसके कारण अब ये बिजली कहीं भी जनरेट की जा सकती है और कहीं बेची जा सकती है. इट कैन बी जनरेटेड एनीवेयर एंड सोल्ड इन एनी अदर पार्ट ऑफ द कंट्री. तो बिकॉज वी आर सरप्लस, बिकॉज वी हैव कनेक्टेड द होल कंट्री इनटू वन ग्रिड, नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री बीइंग डेफिसिट इन सो फार एज अवेलेबिलिटी ऑफ पावर इज कंसर्न. हाउएवर दैट पावर हैज टू बी परचेज्ड, द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हैज टू हैव द मनी टू परचेज दैट पावर. हाँ, ये अलग बात है. तो अब ये किसी ये कदापि संभव नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में ऊर्जा की कमी हो, क्योंकि हमने ऊर्जा उत्पादन की क्षमता स्थापित कर दी है और उसे देश के हर कोने तक भेजने की व्यवस्था कर दी. हाँ, कमी अगर है तो इस कारण होगी क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को ऊर्जा खरीदने का पैसा नहीं है. इफ देयर इज शॉर्टेज, इट इज पार्टली बिकॉज द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी डज नॉट हैव द मनी टू बाय द पावर. दैट कैन बी वन रीजन. और दूसरा कारण यह हो सकता है कि उनकी आंतरिक व्यवस्था पावर ड्रॉ करने की नहीं. द अदर रीजन कैन बी दैट इट डज नॉट हैव द सिस्टम्स रेडी इन इट्स ओन स्टेट फॉर ड्रॉइंग द रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ पावर. वी हैव कम अक्रॉस 2-3 सच केसेस ऑफ 2-3 स्टेट्स हु नीडेड मोर पावर बट दे जस्ट हैड नॉट स्ट्रेंथेंड देयर ट्रांसमिशन सिस्टम्स टू ड्रॉ दैट पावर. आई विल नॉट नेम दोज स्टेट्स पब्लिकली, बट वी हैव ड्रॉन देयर अटेंशन टू दिस. That can be the only reason why there is any shortage in any part of our country. Wahi ek karan ho sakta hai. Earlier, one more reason could have been that the distribution system is weak. Now we have done away with that. Under Deen Dayal Gram Jyoti Yojana and the IPDS, in the past 4-4.5 years, we have strengthened the distribution system of the entire country. All distribution companies. We have strengthened the distribution systems by adding about more than 2,900 substations, strengthening, upgrading more than about 3,800 older substations, 7.5 lakh circuit kilometers HT lines, 5.5 lakh circuit kilometers of LT lines, etc. So, ab kisi ka distribution system kamzor hai, ye sthiti nahi hai. We have managed to do that together, you and us, including the states, including the distribution companies. We managed to do that. We also brought about, you and us, POSOCO and us, we brought about a series of reforms. We put in place a market with 2 exchanges. We have a term ahead market, we have a day ahead market, and we have a real time market. We have a separate market for green energy. We have a separate day ahead market for green energy. And now we propose to have a separate term-ahead market also for green energy. We put in place a system of merit order dispatch so that the cheapest power is transmitted first on priority. हम लोगों ने यह व्यवस्था लागू कर दी है जिससे कि जो सबसे कम दाम का ऊर्जा है उसको हम लोग पहले dispatch करते हैं, thus encouraging efficiency. And thus making power available at the cheapest price to the consumer. ये हम लोगों ने किया है. हम लोगों ने अपने यहाँ के ऊर्जा के परिवेश को बदल दिया. हम लोगों ने सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सेस में ही नहीं, सिर्फ स्ट्रेंथनिंग में ही नहीं, पावर सप्लाई में ही नहीं, हम लोगों ने हर गांव को कनेक्ट कर दिया. हम लोगों ने हर घर को कनेक्ट कर दिया. किसी घर को हम लोगों ने छोड़ा नहीं. और अभी भी हमारा हमने हर एक राज्य को विधायक दी है कि अगर कोई घर छूटा हुआ है तो बताएं. घर मतलब तो बनते रहते हैं, तो मैं वैसे घरों की नहीं बात कर रहा हूँ जो कि अभी बन रहे हैं या अभी हाल में बने. मैं वैसे घरों की बात कर रहा हूँ जो कि उस समय थे, विद्यमान थे जिस समय की सौभाग्य योजना चलाई गई, या जो मजरे या टोले या धानियाँ विद्यमान थी जिस समय की हम लोगों ने सभी घरों का कनेक्शन प्रारंभ किया था और सभी गाँव का कनेक्शन प्रारंभ था. उन सभी मजरों को, टोलों को, धानियों को करेक्ट करने का हमारा मिशन है और हम लोगों ने किया है. हमारे पास सर्टिफिकेट है सभी राज्यों का और सभी राज्यों को हम ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई छूट गया हो तो उसको भी कृपया कर दें और पैसा हम उसका हमसे आप प्राप्त कर लें. हम किसी को छोड़ेंगे नहीं. ये हमारी हम लोगों की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का प्रण. तो हम लोगों ने बदल दिया
और साथ ही साथ हम लोगों ने एनर्जी ट्रांजिशन में भी पहल की है, और इस प्रकार से पहल की है कि दुनिया में जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है उसमें हम अग्रणी हैं। दुनिया भर में एनर्जी ट्रांजिशन की चिंता चली, जैसे ही एनवायरनमेंट की स्थिति बिगड़ी, चिंता हुई, तो लोगों ने कहा कि एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, हम लोगों को फॉसिल फ्यूल से हट कर करके नॉन फॉसिल फ्यूल्स की ओर जाना चाहिए। सभी देशों ने प्रण लिया कि हम लोग 2030 तक इतना ट्रांजिशन करेंगे। हम लोगों ने भी प्रण लिया कि 2030 तक हम अपने ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 40% रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे। तो 2030 जो में जो हमको करना था वो हमने 2021 में कर दिया, 9 साल पहले कर दिया। और अब दूसरा प्रण हम लोग की सरकार ने ली है, नरेंद्र मोदी जी ने लिया है कि 2030 तक हम इसे 500 गीगावाट तक ले जाएंगे, 500 गीगावाट तक अब वो हम ले जाएंगे। अभी ही हमारी ऊर्जा ये नवीकरण ऊर्जा उत्पादन क्षमता 150 गीगावाट हो गया है, और 63 गीगावाट अभी स्थापनाधीन है, यानी कि 200 गीगावाट से ऊपर या तो स्थापित हो गई या स्थापनाधीन है। वी हैड प्लेस्ड दैट यू नो 40% ऑफ आर कैपेसिटी विल बी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल फ्यूल सोर्सेज बाई 2030, वी अचीव दैट टारगेट बाई 2021। नाउ आर प्राइम मिनिस्टर हैज प्लेज्ड इन COP26 इन ग्लासगो दैट बाई 2030 वी विल एस्टैब्लिश 500 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी। वी विल डू दैट, वी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अबाउट 150 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी एंड 63 गीगावाट्स इज अंडर इंस्टॉलेशन। वी आर ऑलरेडी एट 200, वी हैव टू एड 300 गीगावाट्स मोर, विच वी शैल डू if COVID lets us do this. For the past 2.5 years, we have been held back by COVID. Despite that, in 2020, we had an investment of $6.2 billion in the renewable energy area, despite COVID. And in 2019, it was more, it was around about $9 or $10 billion. So we are still progressing despite COVID, but the progress has slowed because of COVID. That's happened the world over. But the short fact is, the bottom line is that we are at the head of the energy transition as far as the world is concerned. We are at a place where other people cannot rival us. We are way ahead in what we pledged, in achieving what we pledged. So we've transformed the power sector. That is one point which I wanted to make. The other point I want to make is that the power sector itself is transforming. दूसरा बिंदु मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ वो ये कि जो ऊर्जा क्षेत्र है, वो बिजली का क्षेत्र है, वो अब ट्रांसफॉर्मेशन में है। एंड इट इज नेसेसरी दैट वी ओपन आर आईज एंड नोट दैट ट्रांसफॉर्मेशन। और यह आवश्यक है कि हम अपनी आंख खोल करके देखें कि क्या बदलाव हो रहा है ऊर्जा क्षेत्र। तो एक बदलाव हो रहा है रिन्यूएबल्स का पेनिट्रेशन, और लार्ज क्वांटिटीज में पेनिट्रेशन हो रहा है। जैसे कि हमने कहा है कि 150 गीगावाट ऑलरेडी मोटा मोटी हमारा स्थापित है, 63 गीगावाट स्थापनाधीन है। तो वो इंटरमीडिएट पावर और उसमें ये डेंजर है कि दिन में उपलब्ध रहता है सोलर, फिर चला जाता है, विंड ब्लो करता है फिर चला जाता है, ये है बैलेंसिंग की जरूरत है। और ये ग्रिड ऑपरेशन के लिए मेजर चैलेंज, आपके लिए मेजर चैलेंज, और इस चैलेंज के लिए हमको तैयार होना होगा। लेकिन ये इवॉल्विंग चैलेंज है, दिस इज एन इवॉल्विंग चैलेंज। आई वॉन्ट टू टेल यू नो ऑल द load dispatch centers, RLDCs and POSOCO, that this is an evolving challenge. We have not seen anything as yet. What you will see, what you will notice is that more and more people put up rooftops. We have greater penetration of renewable in agriculture. So you will see the demand fluctuating more. There will be more and more load of EV charging. Now, if you have a large enough volume, that demand will probably even out, maybe, across the spectrum, across the 12-hour period or 24-hour period. As we introduce battery, maybe that demand will again even out. So your challenges will become less. But in the initial stages, your challenges will be huge. And so you will be we'll have to work out ways and means of responding to that challenge insofar as the grid stability is concerned. So the whole power sector is changing. Maybe. And what this will do, I think, if we look ahead, maybe 15, 20 years ahead or beyond 2030, what this will do will be that probably even though
the consumption would grow up to a certain level. A part of that consumption, a substantial part of that consumption would actually be generated by the consumers themselves, who will become prosumers. That will be one probably aspect of the transition. Not only, I'm not only talking about householders. We will see, if the present tariff structure continues, we will see industries switching to renewables. Because of the cross-subsidy, the power tariff for industry is high, and it makes sense for the industry to go in for renewables because the power tariff for industries is high. Now, this again is an inversion. Dunya bhar mein jo bulk consumption hai, uska tariff low hai. The world over, the tariff for industry is less than the tariff for the consumers. Why? Than the tariff for the household consumers. Why? Because it's bulk supply, and bulk supply comes at a lesser cost. The cost of supply is much less for a bulk supply. So the tariff is less. In our country, it's inverted. The tariff for bulk supply is more. Now that makes it profitable for the industry to switch over to renewables. So we'll see not only the householder and not only the farmer switching to renewables, but also the industry switching to renewables. So again, your load pattern will vary between daylight hours and evening hours. You'll have to work out that. We'll have to think about what it will be. And we'll have to start thinking about it now. We are thinking about it in the ministry. We are trying to bring in changes. We are trying to encourage storage. So you will have noticed that we have come out with a bid for 1,000 megawatt hours of storage, which is the largest bid in the world today. And we'll establish that. So you'll have to work on that. That is a challenge. The whole world is changing. We are changing. The universe of the power sector is changing. You'll have to pay focused attention to that. So that is a challenge. The third challenge, which was always there, but which we did not take note of, is a cyber security challenge. We started taking note of that. We have to strengthen that. You see, it's not only the cyber attacks from our own and recognized enemies. Any group can come up, and any sort of misguided group can come out with a cyber attack on our system, on any part of our system. You are vulnerable. And because you control the whole network, therefore the whole network is vulnerable. So you have to pay focused attention on cyber security. So that is a challenge which we have. And that drill has to be kept in mind all throughout. That only one computer should be connected to the net, and that computer should be totally separate from the system handling apparatus. The third, of course, is something that you've just been born. 5 years, incidentally, happy birthday to all of you. Posoko, this is your fifth birthday, so happy birthday to all of you. You are growing, in the past 5 years, you've managed it very well. In an outstanding fashion, but challenges loom. Now you still have to build up your structures. You haven't built up your ancillary structure. You must have reserves which you can call upon. Up till now you had the luxury of having a surplus generating capacity, because of which you could always draw upon, whatever was on the standby, because some capacity was always on the standby. As demand catches up with the existing capacity, which it will, mind you, which it will, because of reasons which I will explain. But as demand catches up with the existing capacity, you won't have the luxury of surplus being available on call without your having to pay anything. Right now, that is the situation. So you have to have a system of secondary reserves. This automatic generation control, of course, is a good thing, but it will last you only for about 15 minutes. It's better than the frequency control which every generator has. The response is probably increased from a duration of 3-4 minutes to maybe 15 minutes. But after 15 minutes, that secondary generation and secondary standby has to kick in. So you have to have a policy for ancillary. Now, our regulators are just working upon this. I have been talking about this ever since I joined, that you have secondary reserves.
And I have been raising this question for the past 3 years, 4 years. Now, the regulator has come out with a consultation paper on that. And on that also, I have raised some questions. So the ministry will apply their mind to that and put it back up very quickly. So secondary reserve and tertiary reserve are necessary. And a part of the reserve will have to be back. Because the secondary, one of course is secondary reserve and tertiary reserve insofar as shortage is concerned. But maybe your secondary reserve and tertiary reserve will not do if you have a situation of huge surplus. And that's the obvious situation. If you're adding so much of renewable, there will be periods of time when you will have huge surplus suddenly being injected in. Huge surplus of solar and wind blowing at the same time. Now that is again something which we have not paid attention to, which you need to pay attention to. And that can be handled only by battery storage. And that, of course, it will also prevent, battery storage will prevent that energy from going waste. So the world is, as I said, the world is changing, the power sector is changing. We have to keep abreast of the changes. We have to master those changes. And we'll continue doing so. You have done so in the 5 years in which you have been in existence. But the challenges are going to grow. We are also going to get connected to other countries. That is another ambition which we have, this one sun, one world, one grid. But that will have its own challenge. There is another thing which I want. That is, you see, as far as load dispatch is concerned, that's a very specialized field. And it can only be handled by people who are well trained for this. So that is true insofar as the National Load Dispatch Center is concerned. That is true insofar as the Regional Load Dispatch Center. But that's not true insofar as the state load dispatch center is concerned. So I think we need to take them into their fold, and I had asked the ministry to work out a system whereby there is compulsory certification of people who are going to work in this field. So Mr. Rahate, I have not got back that file as yet, and Mr. Ghanshyam, I have not got back that file yet. It's been quite some time. Just put up that file. Okay? Just put up the file. Nobody should be allowed to work in the load dispatch system unless he's certified for that. And for that, you must have certification training. That's again something which I said some time back. But the response is delayed. So get that back, get that file back to me. Then we have, as I said, you've been born just about 5 years back. So institutional building just still has to happen. We are in the midst of that institutional building. Don't lose sight of that. That is, this institution building has to happen. But all said and done, in the past 5 years, you've acquitted yourself well. You are coming up well. You are going to put in place more, say, I want to draw, you know, a sort of universal merit order dispatch. That should not be very difficult. That again is something which I would like you to expedite. You have been working on that. And there's one more thing, you know, which you need to always keep in mind. And that is that you are a regulator. Don't ever, ever get into your head this idea that we are a company and therefore our objective is making profit. Sorry. The company is just a structure. Your job is regulatory, fundamentally. And that regulatory aspect must always be there. If anybody behaves irresponsibly, it's your job to notice this. And it's your job to make sure that punitive penalties are levied. Why? Because if you do not do this, our grid will not be secure. Everybody who participates in the grid, everybody who either draws power into the grid, draws power from the grid, or rejects power into the grid, must follow discipline. If they do not, what will happen? There will be chaos. Our grid will collapse because of the mistake of two or three misguided people, or misguided DISCOMs, or misguided GENCOs. The whole country, national grid will collapse. You know what that will mean? That will mean a national disaster. What will it mean if the grid collapses? A national disaster. So that is why
discipline is absolutely important. And keep that in mind. Again, so I will have a separate orientation class for all of you. Organize this concern. There, I'll drill this into your head. That, okay, what are the penalties for this? Are the penalties enough? Are they punitive enough? And there can be no exception. If anybody infringes, the penalty will be levied without any exception. There's one truth which I have learned, you know, in my long years in the Ministry of Home, both here and in the state. And that is that the severity of punishment is, of course, important. But more than important than that is what? The certainty of punishment. You can have a very severe punishment that they'll be hanging for this. But if there's no certainty, then that does not inspire as much fear as the certainty of the fact that you will be fined. Even if it's not hanging, the certainty that you will go behind for 25 years is enough to put fear of God into the person who would try to take liberties with the discipline and laws, etc. So that certainty of punitive fines has to be there. So I'm leaving you behind with all these stipulations and expectations. And so, but that is something which we have to together negotiate. That is the future. And that is tied up with our country having a secure developed, secure future, having a future where power is available round the clock, having a future where power is available of a good quality, and where, you know, you don't have blackouts in any corner of the country. Major responsibilities, because it is electricity which runs everything. It's a part of our lives, just like oxygen is a part of our lives. The two are almost similar. Thank you. Congratulations once again. बहुत बहुत धन्यवाद कोटेश्वर, धन्यवाद माननीय आपकी प्रेरणा के लिए. माननीय, हम आपके आभारी हैं आपकी उपस्थिति के लिए और आपके उत्साहवर्धन के लिए जो आपने हम सबका उत्साहवर्धन किया. बहुत बहुत आभारी है माननीय आपके. हम हृदय से आभारी हैं माननीय राज्य मंत्री जी के भी कि उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की. और अब जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आज बर्थडे है पोस्तकों का, तो कुछ सांस्कृतिक संध्या में कुछ कार्यक्रम भी हम आपके सामने पेश करना चाहेंगे. तो अब सांस्कृतिक संध्या की ओर हम मुड़ रहे हैं. यहाँ पर माननीय मंत्रीगण मौजूद हैं, आप सभी मौजूद हैं, ऑनलाइन हमसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग मौजूद हैं. तो मैं सभी के स्वागत में यही कहना चाहूँगी कि ये हकीकत है ज़माने में गरीबों के दिल एक मेहमान की आमद से चमक जाते हैं. ये हकीकत है ज़माने में गरीबों के दिल एक मेहमान की आमद से चमक जाते हैं. आपके नाम का चर्चा है ज़माने भर में, आप आते हैं तो वीराने महक जाते हैं. यहाँ जलवा फरोज़ तमाम मेहमानों का, ऑनलाइन जुड़े हुए तमाम मेहमानों का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं. मैं हूँ मनीषा दुबे. आज की ये शाम सास और आवाज़ के नाम है. आज की ये शाम हौसलों के गज़ब अंदाज की शाम है. आज की ये शाम पोस्तकों के फाउंडेशन डे की शाम है, उसके जश्न की शाम है, न्यू ईयर के टशन की शाम है. यानी आज की शाम बस आपके नाम है. किसी ने कहा है कि आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी. किसी ने कहा है कि आज की बात फिर नहीं होगी, ये मुलाकात फिर नहीं होगी. ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी. तो आज म्यूज़िक और टैलेंट की बरसात आपके सामने होने जा रही है. सबसे पहले माँ सरस्वती को हम प्रणाम करना चाहेंगे, जो कि विद्या की, बुद्धि की, संगीत की देवी है. कलाश्रय ग्रुप आपके सामने लेकर आ रहे हैं सरस्वती वंदना. हम आपको बता दें, कलाश्रय जो है वो पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों का ये ग्रुप है. तो सबसे पहले सरस्वती वंदना पेश है. Thank you.
कलाश्रम द्वारा अभी पेश किया गया ये सरस्वती वंदना, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री जी, आज के आपके उपस्थिति के लिए और हम सबको अपना आशीर्वाद और प्रेरणा देने के लिए। कलाश्रम, जैसा कि मैंने बताया, पंडित बिरजू महाराज के शिष्यों का ग्रुप है। किसी ने गुरु के बारे में बहुत अच्छी बात कही है कि जब भी देखो तो नूर मिलता है। नूर का मतलब होता है लाइट। जब भी देखो तो नूर मिलता है, रूह तक को सुरूर मिलता है, जो झुका हो गुरु के चरणों में इल्म उसको जरूर मिलता है। इल्म मतलब नॉलेज। किसने कहा है कि नृत्य के लिए
सशक्त पैरों की जरूरत होती है। किसने कहा कि म्यूजिक को सुनने के लिए कानों की जरूरत होती है? किसने कहा कि इन सबको अभिव्यक्त करने के लिए आपको अल्फाज की या शब्दों की जरूरत होती है? बस हौसला बुलंद हो, प्यार भरा दिल हो और सोच दृढ़ हो। इन्हीं अरमानों से सजाया है हुसनैन ने एक ग्रुप जिसका नाम है वी आर वन। वी आर वन आपके सामने दिव्यांगजन बहुत ही खूबसूरत प्रस्तुति लेकर आ रहे हैं। हम आपको बता दें, इन्हें सिंगापुर और भारत के राष्ट्रपति द्वारा सराहा भी गया है और नवाजा भी गया है। इनका ये मानना है दिव्यांगजनों का कि हमें दया की ज़रूरत नहीं है, दिल में जगह की ज़रूरत है और ज़रूरत है तो बस अपॉर्चुनिटी की, अवसर की। तो हम इनके लिए यही कहना चाहेंगे कि परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिली है यकीनन, हवाओं में ये उनके पर बोलते हैं। वही लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो अब हुनर खुद बोलेंगे दिव्यांग जनों के। आइए, जिसे हम कहते हैं ना कि दांतों तले उंगली दबा लेंगे और आप बहुत ज़्यादा क्या रोंगटे खड़े हो जाएंगे, ये सारी कहावतें आज पूरी होने वाली हैं। प्रस्तुत है शिव तांडव।
हम न्यू इंडिया का जिंदा दिल ख्वाब है, हम बहुत नायाब हैं, हम ही जिंदाबाद हैं, हम ही इनकलाब हैं। तो एक बार ज़ोरदार तालियां इन सभी दिव्यांग जनों के लिए। ये कहते हैं कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुओं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियाँ हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं। तो अब मैं इनके जो मेन जिन्होंने ये ग्रुप बनाया है हुसनैन से मैं निवेदन करूंगी कि यहाँ मंच पर आएं और अपने ग्रुप का परिचय हम सब से कराएं। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। ये हुसनैन है, शिव तांडव इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, कंपोज किया। ये नेशनल इंटीग्रेशन का इससे ज्यादा बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। कॉर्डलेस माइक चाहिए होगा इनको। थैंक यू सो मच एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आज इतनी खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी के लिए और इतना खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करने के लिए। आज ये जो परफॉर्मेंस आप सभी लोगों ने देखी, इस परफॉर्मेंस में एक छोटा सा सीक्रेट है जो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। जो बच्चे व्हीलचेयर पर बैठे थे आपने बहुत सारी तालियां बजाई। कैन आई हैव द ऑडियंस लाइट आल्सो प्लीज। आपने बहुत सारी तालियां बजाई, सराहना दी, थैंक यू सो मच फॉर दिस। बट मेरा सवाल आप सब लोगों से ये है, क्या जो मेरे साथ में कुछ लड़कियां खड़ी हैं, कुछ बच्चियां खड़ी हैं, क्या आपने उनमें किसी भी तरह की कोई दिव्यांगता को पाया, किसी डिसेबिलिटी को फाइंड किया आपने? क्या आपको लगता है दे आर डिफरेंटली एबल या डिसेबल्ड? हैव यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी in these girls? Exactly, because disability is just only a state of mind and nothing else. Main batana chahta hu, jo music baj raha tha wo sirf aapke liye tha, mere liye tha, but in logo ke liye nahi. To aap in sab ko kis tarah se inki prashansa aap kar sakte hain? थैंक यू। मेरा सवाल अभी भी वही है कि जब ये म्यूजिक नहीं सुन सकते तो आपकी तालियों की आवाज किस तरह से सुनेंगे? थैंक यू सो मच मैम। कुछ नहीं करना है, जस्ट राइज योर बोथ द हैंड्स इन द एयर। दिस इज हाउ वी अप्लॉज अ हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द शिव तांडव ऑन द व्हील चेयर विच इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। हम तो यही कहेंगे कि अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज, अगर देखना है इनके उड़ने का अंदाज तो आसमां से कह दो और ऊंचा हो जाए। इतना चैलेंज लेने का दम है इन सब में। तो हमने कहा था कि ये न्यू इंडिया का जिंदा दिल ख्वाब है, यही नायाब है, यही जिंदाबाद है, यही इंकलाब है। आगे बढ़ते हैं हम, वापस से कलाश्रम ग्रुप की तरफ चल रहे हैं। अभी आपने व्हील चेयर देखा, व्हील मतलब चक्का कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो अब हम चक्कर यानी स्पिन के बारे में बात करेंगे। आपने कथक नृत्य के बारे में सुना होगा, ये हमारे देश की एक सांस्कृतिक विरासत है। कथक नृत्य में राज दरबारों की भव्यता है, रुबाइयों, शायरी, सरगम और लय की तन्मयता है। इसमें घुंघरुओं की रुंझुन है और
लयकारी की सरगम है, तो आइए हम आपको ले चलते हैं कथक की मिसमराइजिंग दुनिया में, जिसे लेकर आ रहे हैं कलाश्रम। तेरी महफिल में किस अंदाज से बैठा है दीवाना, तेरी महफिल में किस अंदाज से बैठा है दीवाना, जुबान खामोश है लेकिन नजर कहती है अफसाना। रोशन कदम कदम पे हैं फूलों के कुमकुमे, रोशन कदम कदम पे हैं फूलों के कुमकुमे, बातें तेरे नजर ऊंची की तो दुआ बन गई, नजर नीची की तो हया नजर तिरछी की तो अदा बन गई, नजर फेर ली तो कजा बन गई। Thank you.
थैंक यू कलाश्यम। और अब फिर से दिव्यांगजन प्रस्तुत करेंगे आपके सामने, बहुत ही अच्छी प्रस्तुति। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो देखा होगा आपने दिव्यांगजनों को इस तरह से कि जिनके हौसलों से हारी हैं चुनौतियाँ, जिन्होंने अपने जज्बों से जीती है जिंदगी की बाजियाँ, उनकी प्रतिभा प्रेरणा बन जाती है और चुनौतियाँ परास्त होकर खुद मंजिल का रास्ता बताती हैं।
तो अब प्रस्तुत कर रहे हैं वी आर वन, एक देशभक्ति से पूर्ण बहुत ही प्यारा फ्यूजन। मैं इन लोगों से यही कहूंगी कि तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, तुम ही गगन के तारे गिनना अगर मगर को छोड़ के, सारे सपने रखो जेब में रातें तोड़ मरोड़ के, जनगण मन सम्मान हमारा वंदे मातरम जान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान गतिमान है, थाम तिरंगा करो घोषणा हिंदुस्तान जवान है। तो आइए देखते हैं ये देशभक्ति से पूर्ण फ्यूजन।
वाओ अमेजिंग. भारत माँ का तिलक करो सब चंदन अक्षत रोली से, आज तिरंगा ऊंचा कर दो इंकलाब की बोली से, एक पृष्ठ तुम और जोड़ दो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का, कौन रास्ता रोक सका है झंझावत तूफान का. देखा आपने, झंझावत हो या तूफान हो, इनके सामने कोई चुनौती कुछ नहीं. हुसनैन जी हमारे सामने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना बढ़िया आपने कॉम्पोजिशन प्रस्तुति, इन सब के हौसलों को मैं सलाम करती हूँ. आप कुछ बोलना चाहेंगे हुसनैन जी? कॉर्डलेस की जरूरत है? थैंक यू सो मच वंस अगेन. और मनी सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत सी एक अपॉर्चुनिटी हमें दी. ये नहीं समझा कि डिफरेंटली एबल लोग क्या कर सकते हैं. आज शायद आप समझ चुके होंगे कि व्हीलचेयर इज नॉट द सिंबल ऑफ डिसेबिलिटी, दिस इज अ सिंबल ऑफ एबिलिटी. राइट, थैंक यू सो मच. आगे से एक ही निवेदन आप सभी लोगों से ये करना चाहता हूँ कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को जब कभी भी आप देखें तो प्लीज़ मर्सी की नज़र से नहीं, एज यूजुअल अपॉर्चुनिटीज़ की नज़र से देखिए, बिकॉज वी डोंट नीड मर्सी, वांट एंड अपॉर्चुनिटी. ये हमारा ग्रुप है, हर तरीके की परफॉर्मेंसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, इन ऑल ओवर द स्टेट वी आर डूइंग. वी नीड योर सपोर्ट टू प्रोवाइडिंग मैनी अपॉर्चुनिटीज़. आशा करता हूँ कि आपके ज़रिए से ये जो हमारा मैसेज है वो आप सभी लोगों तक से इस दुनिया में फैलेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है. पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. तो इनकी उड़ान अभी आपने देखी और पोषकों की उड़ान भी हम सब देख रहे हैं, जो कि भारत माँ की सेवा बिना रुके, बिना थमे, बिना थके कर रहा है. मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए, जिसे वोट ऑफ थैंक्स कहते हैं, आभार प्रकट करने के लिए श्री अंशुल भार्गव जो कि डायरेक्टर एचआर है, उनसे निवेदन करूंगी कि आभार प्रकट करें. मेरा नमस्कार सभी उपस्थित अतिथिगण, श्री घनश्याम प्रसाद जी जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पावर, अदर डेलीगेट्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पावर, एमएनआरई, आरपीसीज, सीएमडी श्री केबीएस बाबा सर, माय कोलीग डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड ऑफ पोसोको, हेड्स ऑफ आरएलडीसी, एनएलडीसी एंड अदर डेलीगेट्स हु हैव जॉइंड अस ऑनलाइन, including all our alumni from POSOCO, the ex-employees of POSOCO who have taken out their time to join with us. And most hearty welcome and thanks to the family members of POSOCO family who are present here today, and the young children who have taken out time and to bear with us. And on this occasion, it's my privilege to propose a vote of thanks and acknowledge the contribution of those who worked hard to make POSOCO Day a grand success. POSOCO started functioning as an independent central public sector enterprise from 3rd January 2017, and POSOCO has played a pivotal role in the Indian electricity market in terms of reliable system operations, information dissemination to stakeholders, feedback to power system planners, and bringing about economy in the grid operations. This has been possible with the able guidance or support from various stakeholders or the power sectors. On behalf of the entire POSOCO family, I would like to extend my heartfelt gratitude to our chief guest, Honorable Cabinet Minister of Power, New and Renewable Energy, to spare his time and to be with us, and he really spent some time with us in spite of his busy schedule. He came down directly from the airport, so our sincere gratitude to him. He really inspired us with his address, and we would continue to look forward for his guidance and inspiration. Under his leadership,
POSOCO and the entire power sector has grown and will continue to grow leaps and bounds. May I also take this opportunity and my sincere thank to the guest of honor, Honorable Minister of State of Power, for his kind presence and inspiring address. His kind and encouraging words towards POSOCO will always inspire us to deliver our duties efficiently and meet global standards and records in the field of power system operations. My special thanks and gratitude to guest of honor, respected Sri Alok Kumarji, Secretary, Ministry of Power, who joined us online, spared his time. He's been our mentor and source of constant support in our journey of our organization. I place on record my sincere gratitude to Professor Zakir Rathar and his team from IIT Bombay for his collaboration with POSOCO on the inertia report. The value addition and the technical analysis provided by Professor Rathar on the various dimensions of inertia, in spite of short time and busy academic session, has enriched the report. I would also place on record thanks to the complete team of POSOCO who have worked on the launch of AGC and the inertia report. My sincere thanks to Chairman CMD sir and the board of directors who have unstintingly given their time, effort, and attention to guide the team to take POSOCO to the next level. So under your leadership, the organization has been able to attract the best talent and groom them to become finest system operators in the country. I would like to thank distinguished officials from Ministry of Power, MNRE, CERC, CEA, RLDCs, and other officials who have joined us virtually and have graced the occasion with their presence. I would like to specially thank and acknowledge contribution and chairman AICTE for all the logistic support for making this event a grand success. Finally, I would thank all the committee members who have ensured efficient management of the arrangement to conduct this fifth POSOCO day in a smooth and an absolutely successful manner. Last but not the least, I would like one and all who all are present here, all the family members of POSOCO, as I said initially, for taking out time even in these difficult times. So thank you so much, and please stay safe and take care of yourself. Jai Hind. तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. यूं भी हम जिंदगी गुजारेंगे, रात ओढ़ेंगे, दिन बिछाएंगे, तुम इसी मोड़ पर हमें मिलना, लौटकर हम जरूर आएंगे. मैं मनीषा दुबे POSOCO की तरफ से आप सभी से इजाज़त लेती हूँ, अनुमति लेती हूँ. आप सभी रात्रि भोज पर, डिनर पर सादर आमंत्रित हैं. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभकामनाएं. हमेशा मुस्कुराते रहें, सेफ रहें. जय हिंद.